गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको छोटी सी रेसिपी और थोड़ी सी अपनी बातें बताऊंगी और कल अपना ब्लॉग मैं पूरा करूंगी। तो ये है मेरा कटा हुआ कच्चा पपीता, बट ये अंदर से लाल हो रखा है, टाइट है, तो इसकी सब्जी बनाने में जा रही हूँ। और इसे छौंकने के लिए मैंने कुकर में घी तेल कुछ नहीं डाला है और बस डाली है मेथी जीरा हींग। अभी थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देंगे और इसमें डाला है मैंने 1.5 चम्मच देसी घी और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और ये है टमाटर, इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और सूखा धनिया डाला है, इसको भी डाल देंगे। इसमें डाला मैंने 1 चम्मच पानी। तो ये सब्जी सबको टेस्टी नहीं लगती, मैं अपने लिए बना रही हूँ और इसमें 2-3 सीटियाँ लगवाएंगे, इतना इसमें पानी होना चाहिए। ये पपीता पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी इसकी बनती है। और इसमें अब घी आ चुकी है, इसके अरोमे भी बन चुका है, 3 में भी गल जाता है कभी कभी, ज्यादा भी लगाना पड़ जाती है, तो इसे बंद करती हूँ 5 मिनट में। और सब्जी ठीक ठाक ही बनी है, खाना वाना खा लिया, घूमते हैं और सोसाइटी का आपको टूर कराती हूँ थोड़ा सा। यहाँ से दिखाई थी मैंने उस दिन लाइट, आज पूरी गेट तक लाइट हो गई है, कितनी अच्छी लगती है रात में। ये 29 टावर है ये, और अभी आपको 28 की दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लाइटिंग हो चुकी है। ये आगे तक गेट तक ऐसे ही छोटे और बड़े बल्ब की लाइटिंग हुई है, सुंदर लग रही है। करीब करीब सारे पार्क को कोई कवर करते हैं लाइट से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेन गेट तक की लाइट। अब इसके बीच में से एक रास्ता जाता है, तो आगे इधर पार्क की तरफ से दिखा के लेके आती हूँ। ये बीच में से रास्ता है, तो पूरे पेड़ों पे कवर किया हुआ है सब, बीच में से ये रास्ता जा रहा है। इधर भी सब बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ मैं जा रही हूँ, इधर भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी बाकी है मेरे ख्याल से, तो जब पूरी हो जाएगी एक बार आपको फिर दिखाऊंगी। और ये है सड़क बाहर की तरफ, गेट से इधर इधर आके मैं आती हूँ दूसरे गेट पे, हमेशा बंद रहता है। यहाँ से भी लाइटिंग की हुई है, दिवाली तक पूरा जगमग हो जाएगा, एक बार आपको फिर दिखाऊंगी, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 लाइट अपने घर में लगा लेते हैं, वही काफ़ी है, क्योंकि जगह ही नहीं है इतनी, रेलिंग पर दीपक जल जाते हैं और बाहर इतनी जगह नहीं है, तो नीचे ग्राउंड पे इतनी लाइट हो जाती है, तो अपनी पर्सनल लाइट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। गाइस, दिवाली की लाइट बहुत अच्छी लगती है देखने में, पर थोड़ा सा अपने मन की लाइट भी जलाना सीखो। मन की लाइट से मतलब है मेरा कि किसी के अपने मन में कुछ छिपा के मत रखो ज़्यादा, और किसी दूसरे के साथ ऐसा भी है वो मत करो जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो। तो दिवाली की लाइट तो 4 दिन है, लेकिन अपने मन की लाइट को आप जला के रखेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो पार्क की लाइटें बंद होने लगी है, मैं जा रही हूँ घर, और जब लाइटिंग ज़्यादा हो जाएगी फिर दिखाऊंगी आपको एक बार। 28 टावर की पूरी लाइट में दिखा चुकी हूँ। और गाइस, लाइट पूरी हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइड, बहुत सुंदर लग रही है, देखिए पूरी लंबी लंबी लाइट लग जाती है, बहुत अच्छी लगती है दोनों साइड। गेट तक लगी हुई है, फिर उधर से इधर, और दोनों तरफ लाइट लगी हुई, कितनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बिल्कुल दिन निकल रहा हो जैसे। अमेज़ॉन का मेरा एक पैकेट है, मैं देखती हूँ इसमें मेरी मनपसंद जो मैंने मंगाया वो आया है या कुछ डिफरेंट है, तो आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, कलर बिल्कुल वही है जो मैंने मंगवाया है,
और फिटिंग देखती हूँ, अच्छा है तो रखूँगी, अदरवाइज इसको मैं वापस करूँगी। कलर तो बिल्कुल सेम है जो मैंने मंगवाया है, तो ये मैंने किसी के लिए मंगवाया है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे मैंने मंगवाया था। और ये इसका प्लाजो है, इसकी चौड़ाई भी ठीक ठाक है। और ये इसकी कुर्ती है, ये भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ही सुंदर सूट, बहुत ही अच्छे रेट में है ये, आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रंट से ये ऐसा है कुर्ता, गोल गला है और इसके चारों तरफ ये लेस टाइप बनाया हुआ है, लेकिन ये है कपड़े में ही, बहुत अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। और हम एक के बाद एक पैकेट उड़ाए जा रहे हैं। इसे सांगना बनाई है खिचड़ी टाइप सालसा, और ये मेयोनीज है, टेस्ट में खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं।